नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2023 में 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ऐसा आज के पेपर में दोस्तों दिया था। मैंने यह न्यूज़ आपको बहुत ही पहले ही दिखाया था, लेकिन आप लोग इस न्यूज़ को फेक न्यूज़ समझ रहे थे। तो इस बार भी 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ये आज के पेपर में दिया था। तो आज मैं आप लोगों को लाइव ग्रुप पेपर के साथ दिखाने वाला हूँ और सच क्या है आपको मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। तो देखिएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको छोटा सा लिंक मिलेगा जहाँ पर मैं पेपर का फोटो काट कर आप लोगों को लगाया हूँ, ठीक है। तो देखिए, सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, खुद देखिए, तभी आपको यकीन होगा। सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है तो भाई दी मैं जैसे कहता हूँ वैसे आप लोग चेक करिए और देखिए कि आज के पेपर में क्या दिया था और उसमें क्या लिखा था, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिल रहा है तो फाइनली आप अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैं ओपन करके आपको बताता हूँ, जैसे ही आप अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको फाइनली इस सर्च बार में टैप करना है mgbresult.com, लिखना है mgbresult.com। जिसको लिखने नहीं आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से कॉपी में ये जो लिखा गया उसको लिख और फिर सर्च करना, ठीक है। तो गूगल में सर्च करना mgbresult.com। देखिए, मैंने गूगल में सर्च किया mgbresult.com। जैसे ही मैंने गूगल में सर्च किया mgbresult.com तो मेरे सामने ये mgbresult.com का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुआ। इसी में सब कुछ आपको सबसे पहले मतलब कि मिलेगा लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में अब आएगा 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, देख लो ऑफिशियल नोटिस। तो आपको ना फाइनली इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो मैं आपको पेपर का कटा हुआ फोटो मैं यहाँ पर लगाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी पोस्ट होता है या फिर किसी के भी बारे में जानना होता है तो सबसे पहले जो लिखा गया होता है उसको अच्छे से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग खुद आकर पढ़ लीजिए, यहाँ पर आप लोग खुद आकर पढ़ लीजिए। 10 से इतना नवंबर के, देखिए 10 से 14 नवंबर के अवधि में प्रश्न पत्र हासिल करने की व्यवस्था करेंगे। यानी कि एक बात याद रखिए, जो आपका सेंटर एग्जाम 15 नवंबर से हो रहा है, 10 और 14 के बीच में ही आपके स्कूल या फिर जिले में जो पेपर आएगा किसका, सेंटर एग्जाम का, वो आपका आएगा। नहीं तो पहले आ जाएगा तो लीक होने की चांसेस रहती है। अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्नों की गोपनीयता बरकरार रखने की जिम्मेदारी शैक्षिक संस्थान को प्रदान की होगी। मैट्रिक परीक्षा 2023 में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शामिल होने वाले इतना की सूची पिछले वर्ष की तुलना में 50 से लेकर 100 बढ़ाकर देनी होगी। यानी कि इस बार भी 2023 में 50 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा। ये मैं नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोग लिखा 2023 लिखा गया ना, अब आप लोग सोचोगे नहीं ये झूठ है, आप खुद देख सकते हैं 50 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा दी जाएगी और नीचे आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा। बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए पोस्ट, तो आप लोग आकर सब लोग अच्छे से जानकारी पढ़िए। तो और देखिए ये सच है या फिर झूठ है, आज आप सभी का पर्दाफाश हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग खुद दिखा दिया कि 15 नवंबर से आप सभी का सेंटर एग्जाम होगा। अब बताइए इस बार का आपका सेंटर एग्जाम 15 नवंबर से है कि नहीं, तो क्या ये झूठ है या फिर सच है, आप लोगों को खुद पता चलेगा। तो एक बार आकर इसको अच्छे से पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट करना वीडियो में कि नहीं सर ये सच है, नहीं सर ये झूठ है, उसके बाद मैं यकीन करूँगा कि आप लोग पढ़े हो। बिना पढ़े कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करेगा, सबको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आप लोगों को कमेंट करना है कि इसमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके बाद ही कुछ फैसला आप लोग लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आकर पोस्ट जरूर पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।